विदिशा जिले के पठारी ग्राम में सावन के तीसरे सोमवार को पहली बार भोले भक्ति समिति द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ सुबह 6 बजे सिद्ध क्षेत्र श्री करेली धाम स्थित बावड़ी का जल लेकर कांवड़ का विधि विधान के साथ पूजन किया गया। यात्रा पठारी धार्मिक नगरी करेली धाम से निकली है और जो नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर जा रही है, करीबन 22 किलोमीटर का पैदल सफर जय भक्त कर रहे हैं, इनकी मनोकामना पूर्ण करे जय भोलेनाथ। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया। कांवड़ यात्रा का स्वागत मुख्य बाजार में ग्राम पंचायत द्वारा तिलक लगाकर एवं श्रीफल देकर किया गया। कांवड़ यात्रा डीजे की धुन पर श्रद्धालु नृत्य करते हुए एवं बम बम भोले के जयकारों के साथ मुख्य बाजार होते हुए फार्म चौराहे मथुरापुर जाजोन भाल बामोरा किस्नौदा नरोदा होते हुए लगभग 22 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा का उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचेगी, जहां भोलेनाथ का जल अभिषेक कर समाप्त होगी। कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। भाल बामोरा में श्रद्धालुओं द्वारा सभी कांवड़ियों का स्वागत किया गया। वहीं ग्राम किस्नौदा में जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवार द्वारा कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। नगरी से जाना जाता है और यहाँ हमारे नए युवकों ने इस विचार से कांवड़ यात्रा निकालने धार्मिक नगरी उदयपुर पहुँचने के लिए भोलेनाथ को अपने करेली धाम से जल भरकर भोलेनाथ का सवार अभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा निकाली है और अधिक मास के उपलक्ष्य में कांवड़ यात्रा निकाली गई है और पहली बार निकाली गई है। और ऐसा नए युवकों में जूझ रहा तो हर सावन के महीने में प्रत्येक वर्ष कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी और कांवड़ यात्रा में हर एक गांव के लोगों ने भरपूर सहयोग किया, हम लोगों का सब ने स्वागत किया। जारोली मथुरापुर जायजौन और भालमोरा सूजा यहाँ पे आगे भी जो गांव है वहाँ पे भी सब कावड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।